हम सुबह सुबह आ गए DTU कैंपस टूर बनाने के लिए, और काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी मेहनत लगी है एक शॉट में तो, और तुम उसे देखोगे तो तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा। DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, 165 एकड़ का अपना सुंदर सा कैंपस है, और ये DTU का मैप है, वीडियो पॉज करके देख लेना। स्टार्ट करते हैं येलो वाले पोर्शन से। तो अभी हम खड़े हैं टाइटैनिक पॉइंट के पास, और इस साइड जो सामने की तरफ है वो है तुम्हारा OET, और ये जो है ये टाइटैनिक पॉइंट है, और इधर ही तुम्हारा जैक का भी ऑफिस है, और ये जो है ये डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स है। और मैं सुबह सुबह आया था, कुत्ते पीछे पड़ चुके हैं, सामने पीछे पड़ गए थे ट्राइपॉड देख के तो। पर ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है यार, ये वीडियो अभी स्टार्ट कर। पीछे है ना वो है DTU का मिनी OET, और जितने भी सोसाइटी की मीटिंग हो गई और जितने भी तुम्हारे ऑडिशन हो गए सोसाइटी के, वो यहीं पे होते हैं, और सोसाइटीज़ की रेगुलर जो मीटिंग्स होती रहती है वो भी यहीं पे कंडक्ट की जाती है। और ये जितने भी है यार, ये बड़े चलाक है, जैसे मैं वीडियो बना रहा था ना तो वहाँ से देख रहे थे, और आगे देखो वीडियो में आ गए, और वीडियो में देखो मस्त पोज दे रहे, साइड पोज दे रहे। इधर जाएंगे तो ये TNP का हो गया, और इस वाली साइड या तुम्हारा लाइब्रेरी का रास्ता है। चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ और देखते हैं बाहर से कैसे दिखती है, अंदर से कैसे दिखती है, और कितने बजे तक खुलती है, उसकी टाइमिंग्स की इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी इस वीडियो में। ये बुक है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की, ये ऐसी बुक है कि हर बच्चे पे मिलेगी, लेकिन किसी ने यूज़ नहीं करी ये, बस ऐसी नॉर्मल तुम्हारे कबर्ड में रखी रहे कि सेमेस्टर खत्म होगा तुम आके ले जाओ। पढ़ाई की बात हो रही है तो डिपार्टमेंट्स ही देख लेते हैं।
तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासेस। तीन जगह होती है डिपार्टमेंट, एसपीएस और प्रज्ञा भवन में। तो हम इस टाइम आ चुके हैं अपने एसपीएस वाले एरिया में, और ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे अपनी फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती थी, और ये एसपीएस 1 है, ये 2 है, ऐसी करते करते 3, 4, 5, 6 है, और अपनी जो वर्कशॉप है वो भी इस वाली साइड ही होती है। तुम देख सकते हो काफ़ी बड़े जो कहते हैं ना क्लास रूम है ये, और एक क्लास रूम में मिनिमम 150 बच्चे आ जाते हैं। हमारे सर के नाम है ये, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। देख सकते हो यार, चार बड़े सेक्शंस है और एक छोटा मिनी सेक्शन, और उसके साइड में लॉकर भी है। तो मतलब कह सकते हैं अच्छा खासा पैसा लगाया है डीटीयू ने हॉस्टल बनाने में नए वाले। नीचे और ये व्यू सामने जो है ये पुराने वाले हॉस्टल से, मतलब शेयर की ना एक और खास चीज है कि ये ऊपर नीचे भी हो जाता है। इधर तुम्हारा वॉशरूम हो गया, जो डीडीयू का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना वो काफ़ी अच्छा है, मतलब जिसमें भी कह सकते हैं ना एक से एक सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। तो फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ट्रैक हो गया, एथलीट्स के लिए सारी चीज़ें फैसिलिटीज़, जिम भी प्रोवाइडेड है।
अब खेलने के बाद लगती है प्यास और भूख, तो चलते हैं कुछ खाने। तो अब चलते हैं मिक मैक की तरफ। मिक मैक एक खाने की जगह के साथ साथ एक इमोशन भी है। तो यार अभी हम आए हैं राजसोइन हॉल, जो अभी डीटीयू में बिल्कुल नया बना है। तुम देख के ना हिल जाओगे, मतलब इतना लाजवाब बना दिया है ना। मतलब जब बन रहा था ना पता नहीं था कि इतना लाजवाब होगा, इतना बड़ा स्पेशियस होगा। और तुम देखो यार, बस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।